अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हम MS Excel 2010 में सेल एड्रेसिंग के ऊपर काम करेंगे। सारा डाटा जो है वो टाइप करेंगे, स्टूडेंट्स के नेम और उनके मार्क्स, टोटल मार्क्स हमने काउंट करने हैं। सबसे पहले तो हम इसमें फॉर्मूला ऐड करेंगे इक्वल टू C2 हमारे पास है फर्स्ट, और C2 पे प्लस लिखेंगे, आगे D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस G2 G2 एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो गया। अब इसको कॉपी करेंगे कीबोर्ड से Ctrl+C, और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल पे जाके पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला जो है वो हर सेल के अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा, और इस तरह हमें टोटल मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास रिलेटिव सेल एड्रेसिंग है, जिसमें फार्मूला जो है वो कॉपी हो जाता है नेक्स्ट सेल में उसके अकॉर्डिंगली। इसी तरह अब हम जो है ये मार्क्स कैलकुलेट हमने किए हैं, टोटल मार्क्स हमारे पास आ गए हैं, और ये हमारे पास H2 सेल में पहला मार्क्स आया है। समर टास्क हमारे पास 5 है, और ये हमारे पास C8 सेल में 5 लिखा हुआ है, C8 सेल में 5 लिखा हुआ है। तो अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है परसेंटेज कैलकुलेट करने का, इक्वल टू H2 में हमारे पास टोटल मार्क्स यानी ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास जो है वो H2 में है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 250 हमारे पास टोटल मार्क्स हैं। एंटर करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ गई है। इसी तरह इसको कॉपी करेंगे और नेक्स्ट सेल में जैसे ही मैं पेस्ट करूँगी तो उस सेल के अकॉर्डिंगली मार्क्स की परसेंटेज आती जाएगी। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई है। अब ये हमारे पास G2 सेल है। अब हमने एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग के ऊपर बात करनी है। एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग में फार्मूला चेंज नहीं होगा। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग में हमने देखा फार्मूला चेंज हो गया है, लेकिन एब्सोल्यूट में फार्मूला चेंज नहीं होगा। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू के बाद हमने I2 लिखा, I2 में परसेंटेज जो हमारी आई है वो I2, फिर उसके बाद प्लस परसेंटेज में हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है, हमने 5 ऐड करना है, तो ये हमने C5 लिखना है। तो पहले डॉलर का साइन डालेंगे, ये हमारे पास C8 में 5 मौजूद है, तो C लिखेंगे, डॉलर का साइन डालेंगे और 8 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास 95 आ गया, 90% में प्लस हो गया 5।